सुप्रभात अभिनंदन बच्चों, हम संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के अंतर्गत पाठ पढ़ते हुए उनके अनुवाद, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान आदि अभ्यास कार्यों को कर रहे थे। आज हम कुछ व्याकरण में सीखेंगे। व्याकरण में हम सबसे पहले सब्जियों के नाम जानेंगे कि हम कुछ सब्जियों को संस्कृत में क्या कहकर पुकारते हैं। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले जानें कि सब्जियां हम कौन कौन सी पढ़ेंगे और फिर उनके संस्कृत में हम नाम जानें। सब्जियों में सबसे पहले आलू, आलू अर्थात आलू, जब ह की साउंड आती है तो हम विसर्ग लगाते हैं, आलू सिंपल साधारण तरीके से हम वही लिखते हैं, केवल मात्राओं का अंतर आता है कि जब हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं आलू, और संस्कृत में जब हम लिख रहे हैं तो आलू। इसी प्रकार गोभी, और गोभी का संस्कृत रूपांतरण है गोजिहवा, 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 गोजिहवा कहते हैं गोभी। समझ आ गया आपको, आलू गोभी, ठीक है। गाजर, गाजर ग्रिंजनम, ग्रिंजनम, गाजर ग्रिंजनम, दोबारा दोहराती हूं, आलू आलू, गोभी गोजिहवा, गोजिहवा, और गाजर ग्रिंजनम, ग्रिंजनम। इसके अंतर्गत आगे हम बढ़ते हैं लौकी, लौकी अर्थात अलाबू, अलाबू, अलाबू लिखकर विसर्ग अलाबू, आलू आलू, गोभी गोजीवा, गाजर ग्रिंजनम, लौकी अलाबू, अलाबू। इसके बाद मूली, मूली अर्थात मूलकम, मूली मूलकम। अप्रैल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको केवल पांच सब्जियों के नाम लिखने हैं जो मैंने अभी बोले आपको, आलू गोभी गाजर मूली और लौकी। इन पांचों सब्जियों के नाम हम संस्कृत में लिखेंगे, और उत्तर पुस्तिका में अगर हमें कहीं चित्र मिल जाते हैं तो हम उनके समक्ष चित्र चिपकाएंगे, नहीं मिलते तो आप कलाकार बच्चे हैं, आप अपने हाथ से उनके चित्र बना सकते हैं और उन्हें उनके अनुसार रंग दे सकते हैं। ये हुए सब्जियों के नाम। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर इन्हें दोहराना चाहूंगी, आलू आलू, गोभी गोजिहवा, गाजर ग्रिंजनम, गाजर ग्रिंजनम, मूली मूलकम। ये पांच सब्जियों के नाम आपके। इस प्रकार आप इनके पांचों के नाम लिखेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। लिखने में परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं लिखकर भी आपको इन्हें भेजूंगी, इन्हें प्रेषित करूंगी, तो इन्हें आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, और फिर इनके इनको आकर्षक बनाने के लिए अपने कार्य को आप चित्र भी बनाएंगे। इसके अलावा इसके आगे बढ़ते हुए हम आज पांच पशुओं के नाम और सीखेंगे। इन पशुओं के अंतर्गत आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हमें फिर वही प्रक्रिया इसमें भी दोहरानी है कि हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे और उनके चित्र भी चिपकाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बढ़ते हैं पशुओं की तरफ, गाय धेनु, गाय धेनु। इसके पश्चात खरगोश शशकह, शशकह, खरगोश शशकह। घोड़ा अश्व है घोटक, अश्व है घोटक, ये दो नाम है, अश्व है घोटक, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, अश्व भी कह सकते हैं और घोटक भी कह सकते हैं, लेकिन लिखने आपको दोनों हैं। इसके पश्चात हाथी, हाथी
दंती, गजह, मुख्य रूप से जो प्रचलित शब्द है वह गजह ही है। हाथी गजह, हिरण मृगः, हिरण मृगः। पहले जब संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था तो मृगः जो है सभी पशुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मृग जो है हिरण विशेष पशु के लिए प्रयुक्त होने लगा। मृगः, मृगः क्या हुआ, ये हिरण, हिरण को मृगः और कुरंग आदि भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित शब्द क्या है, मृगः। एक बार फिर दोहराएंगे और ध्यान पूर्वक उच्चारण आप मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे। गाय धेनु, गाय धेनु। खरगोश शशकह, खरगोश शशकह। घोड़ा अश्व है घोटक, अश्व है घोटक। हाथी गजह, हाथी गजह। हिरण मृगः, हिरण मृगः। इस प्रकार ये हुए आपके पशुओं के नाम। पहले हमने सब्जियों के नाम समझे थे, ये पशुओं के नाम। हमें एक ही प्रक्रिया में इन्हें लिखना है और लाइन छोड़कर बड़ा सुंदर सुंदर लिखना है ताकि आपके चित्रों को उचित स्थान मिल सके, चाहे वो आप चिपका रहे हैं चाहे वो आप बना रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर और सही स्थान होगा तभी आपका कार्य जो है वो आकर्षक लगेगा। इससे पूर्व व्याकरण की कक्षा में मैंने आपको 1 से 10 तक गिनती बताई थी। आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने वह कक्षा जो है नहीं देखी थी, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो मैं वो 1 से 10 तक की गिनती भी आज दोहराऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने पहले इस कक्षा में मुझे सुना था उनके लिए यह एक पुनरावृत्ति हो जाएगी और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े उनके लिए यह उनका कार्य हो जाएगा। और होना आपकी अभ्यास पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो जो संख्यावाची शब्द हैं जब आप उन्हें लिख रहे हैं तो अब संख्या की तो आप पिक्चर कैसे लगाएंगे, तो आप उतनी ही संख्या की कोई भी चित्र वहां बना सकते हैं। जैसे आपने 5 के लिए 5 सितारे बना दिए, है ना, या 8 के लिए आपने 8 फूल बना दिए इस तरह से, या 3 के लिए आपने 3 सूरज बना दिए। छोटे छोटे चित्र आप इस प्रकार संख्यावाची शब्दों के सामने बनाएंगे। तो एक बार संख्यावाची शब्दों को दोहराएं। चलिए, एक एकह, एक एकह। दो द्वो, दो द्वो। तीन त्रियह, तीन त्रियह। चार चत्वारह, चार चत्वारह। पांच पंच, पांच पंच। छः षड, सात सप्त, सात सप्त। आठ अष्ट, आठ अष्ट। नौ नव, दस दश। इस प्रकार एक ही हो गया आपका संख्यावाची शब्द। कुल मिलाकर आपको केवल 20 शब्द लिखने हैं। 20 कैसे, 5 सब्जियों के नाम, 5 5 पशुओं के नाम और 10 संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द आप पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए केवल ये 10 शब्द बचे हैं। आपको इनको लिखना है और इनके चित्र बनाने हैं और फिर अपना कार्य पूरा करना है। बच्चों, किसी भी तरह से जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से काम करना है, धीरे धीरे आराम से, परेशान होकर नहीं, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।